बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़ुल्फ़िकार अहमद हूँ और यहाँ पे जेलम में असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। मैं अभी आपको टाइगर फोर्स के हवाले से बताऊँगा कि हमारे पास तहसील जेलम के अंदर 2055 लोग जो हैं वो टाइगर फोर्स के अंदर रजिस्टर हुए हैं। इन 2055 में से जब हम डिफरेंट कैटेगरीज को देखते हैं तो तकरीबन 550 लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक हमारे साथ इसमें रजिस्टर हुए हैं। अभी हमने तकरीबन 700 लोगों की ट्रेनिंग हम करवा चुके हैं इस कोरोना की जो पेंडेमिक फैली हुई है इसके हवाले से। उन 550 लोगों में से तकरीबन 250 लोग जो हैं वो हम सिविल डिफेंस के हवाले कर चुके हैं, जिन्होंने के उनकी मुख्तलिफ बाजारों के अंदर, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर, आजकल जो एहसास कफालत प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर उनकी जो डिप्लॉयमेंट की हुई है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो शोबे से रिलेटेड लोग हैं वो भी इसके साथ रजिस्टर हुए हैं। उन सब लोगों को हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो अथॉरिटी है उसके हैंडओवर किया है कि आप इनको अपने तरीके से इनकी यूटिलाइजेशन कर सकें। जितने भी हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं वो हमारी बाज़ारों के अंदर SOPs को इंश्योर करने के लिए मदद कर रहे हैं। इसी तरह से जो मस्जिद हैं जहाँ पर आजकल तरावी की नमाज अदा की जा रही है और वहाँ पे SOPs को इंश्योर करने में ये हमने इनको डिप्लॉय किया हुआ है। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जैसे कि यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ पे भी इनकी डिप्लॉयमेंट हुई है।